के खाने में क्या है? जहर है। तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। दोस्तों चलिए आज हम आपको जानवरों के कुछ और हंसा देने वाले क्लिप्स दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी यही सोचने लग जाएंगे कि यार कल तक तो ये जानवर कितने शांत नजर आते थे, आज अचानक ये इतने फनी कैसे हो गए। तो हमारी यह वीडियो काफी फनी और हंसा देने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखें। ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें यह देखा जाता है कि जानवर घर या फिर दुकान में घुस जाते हैं, और उसी में से एक मिलता जुलता नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ऊंट इस दुकान के अंदर आता है, जिसे देखकर दुकान में खड़े हुए दुकानदार डर के मारे अंदर घुस गए, जिन्हें लगा कि ये ऊंट बैंड बजाएगा, लेकिन शायद ऊंट अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए आया था, पर उसे कुछ खास पसंद नहीं। मेरे को परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, अरे मुझ मुंडवा के गधे पे बिठा दूंगा। कुछ कुत्ते बकरियों को देखकर ही उन पर चार्ज हो जाते हैं, जिन्हें पता नहीं बकरियों से इतनी दुश्मनी क्यों होती है, लेकिन उन्हीं में से एक बकरी ऐसी है जिसने सभी का बदला अकेले ही ले लिया। यहाँ पर ये बकरी कहीं जा रही थी, तभी सामने वाले कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद बकरी ने क्या कांड किया ये तो आपने देख ही लिया। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, चुप कर बे कुत्ते, मार दिया क्या तुम? पता नहीं बेचारा कुत्ता यहाँ से कौन सी दुनिया में जाकर गिरा होगा, ये तो अब सिर्फ उसे ही पता। अच्छा घोड़े की सवारी करना कई लोगों को पसंद होता है, जिसके चलते लोग घोड़ों के ऊपर बैठकर बड़े मजे से घुड़ सवारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें गधे की सवारी करनी है, और उसमें क्या कांड होता है वो आप यहाँ पे देखें। ये महाशय गधे की सवारी करना चाहता था, मगर गधे ने इसे नीचे फेंक दिया और भगा दिया, जो कह रहा होगा कि मुझसे बड़ा गधा तो तू है, चल उतर मेरे पीठ से। पनौती उतर, उतर नीचे, उतर, भाग यहाँ से। तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना, सब लोग चल के आएंगे। मुझे माफ कर दो। काफी लोग हैं जो समुद्र में पाए जाने वाले ऑक्टोपस को काफी खतरनाक मानते हैं, लेकिन उन्हें हम बता दें कि ये बड़े ही चंचल किस्म के जानवर हैं, यकीन नहीं होता। तो आप यहाँ देखें, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक ऑक्टोपस पानी में से कहीं जा रहा है, लेकिन इसी के चलते भाई इस आदमी पर पानी भी उड़ा रहा है, जिसकी ये हरकत देखकर लगता है कि ये ऑक्टोपस भाई होली के त्योहार को जरा ज्यादा ही पसंद करता है। सुसु करना, इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहाँ? ये तालाब तुमने भरा? दूर रे, दूर रे, नजदीक नहीं आना बड़ो बिल्कुल। अब जरा आप इस कछुए को भी देख लो, जो मछली की सवारी करने में लगा हुआ है, जबकि मछली उसे नीचे उतारने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये टर्टल बड़ा ढीठ है, जो आज रोलर कोस्टर राइड के मजे लेकर ही मारेगा। वैसे अगर आपको लगता है कि टर्टल बड़े शांत जानवर होते हैं, तब इस क्लिप को देखने के बाद आप भी गलत साबित हो जाओगे। मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ए उतर, चल उतर, साले नीचे उतर, चल उतर, ए हरामी उतर। भाई बंदरों की बात की जाए तो ये कब कहाँ पे प्रकट हो जाए ये हम कह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाने के लिए लोगों के घरों में घुसते हैं, अभी वक्त बदल चुका है साहब, अब ये बंदर पढ़ाई भी करने लगे हैं। जैसे कि आप इस बंदर को देखें, जो इस क्लासरूम के खिड़की से अंदर झांक रहा था, और इसकी हरकत से यही साबित होता है कि ये बंदर भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, जो सोच रहा होगा कि बाप रे ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट लगता है। बॉयज इसका आंसर लिखिए, 120 रोटेशंस इन 1 मिनट। ये आंसर किसने दिया? रोहित तुमने 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम जबानी सॉल्व कर दिया? जी, छोटा मोटा टपोरी समझाता ना तू। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई, तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।